आपका फेवरेट पब कौन सा है, जो हिसाब से पुणे का सबसे बेस्ट पब कौन सा है, लाइफ जहाँ का एम्बियंस अच्छा हो, ऐसा कौन सा पब अच्छा है? पुणे का सबसे अच्छा पब कौन सा है? नंबर वन पे चल रहा है, तो आप ये दोनों में से कोई भी पब में चल सकते हैं। If you had a rough week, so you just have to make one decision this weekend, glass or bottle. So just shut down your laptops and wear your summer jackets and head straight to the best and most happening pubs in Pune. And where they are, you are at the right place to know that. Guys, and welcome back to my juniors once again. You guys are here to know which are the best pubs and where are the best pubs in Pune. So I have taken down some list, मतलब काफी research की मैंने, और मैं काफी इनमें से pubs में गया हूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, और हम public review भी करेंगे आगे end of the vlog में। पब्स में जाके पूछूंगा कि आपके हिसाब से बेस्ट पब्स कौन सा है, बेस्ट पब्स कौन सा नहीं, बेस्ट पब कौन सा है पुणे का, तो उनका भी ये मेरे हिसाब से ये कुछ, ये जो मैं गया हूं, सोशल से एक बेस्ट है, थाउजेंड ओक्स बेस्ट है, पेंट हाउस, कल्ट, वाटर्स और ओरिला, ये पब्स में मैं जा चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि दे आर वेरी गुड। और यहाँ जाने के लिए काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एज लिमिट्स, ये बहुत कुछ होता है, तो आपको बहुत, आप एक्चुअली पहले तो 21 प्लस होने चाहिए, मतलब 21 साल की उम्र आपकी हो गई होनी चाहिए ड्रिंक्स वगैरह लेने, क्योंकि ड्रिंक्स की हमारी वही लिमिट है। मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह करता नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। अगर बॉयज को दाढ़ी आ गई तो वो ऐसे भी जा सकते हैं, क्योंकि एक वो साइन है ना कि आप बड़े हो चुके हो। तो एनीवेज आपको मैं आगे बताता हूँ, आज शाम को मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ एक पब में जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरे लिए टॉप में है पुणे के, बिकॉज वहां का क्राउड अच्छा होता है और सेफ है और बहुत बड़ा है, स्पेशियस है और वाइब काफी अच्छी उसकी, एकदम जो जो बोलते हैं ना इंडो वेस्टर्न ही है, हाँ इंडो वेस्टर्न, काइंड ऑफ इंडो वेस्टर्न, क्योंकि क्राउड अच्छा है ऐसा, वो अच्छा आई कैन यूज दैट वर्ड, छपरी क्राउड नहीं है, स्टैंडर्ड क्राउड है, आईटी वाला क्राउड है, बिकॉज मगरपट्टा में सब आईटी कंपनीज है, आपको पता है ये साइबर सिटी है वहां पे, तो वो सब क्राउड वहीं पे आता है मोस्टली। तो शाम को जहां मैं जा रहा हूँ कल्ट, वो तो यहीं पे अपने मुंडवा रोड पे, हड़पसर मगरपट्टा सिटी के जस्ट बैक साइड पे, ये तो मैं आपको वहीं पे चल के बताऊंगा कैसा है क्या, लेकिन बाकी जो टॉप लेवल में आते हैं उनका उनका लोकेशन क्या है और कितना खर्चा होगा आपका, ये बता दो। एक्चुअली पहले मैं बता दूं आपको, तीन तरह के पब्स होते हैं, मीन्स एक पब होता है, मीन्स एक तो फुल्ली फुल अडल्ट वाला पब होता है जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह, मीन्स इट्स काइंड ऑफ, उसके एंट्री के लिए आपको पहले प्री बुकिंग करना पड़ता है, गेट गेस्ट लिस्ट वगैरह लगता है, तो हमारा एक कल्ट का भी वैसे, हमने पहले गेस्ट लिस्ट में नाम दे दिया था, इसलिए हमको अलाउ कर रहे हैं, मतलब अलाउ इन द सेंस हम इसलिए हम जा सकते हैं, नहीं तो बहुत वांदे हो जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको पासेस ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, और एक कुछ पब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, किंग, एमसी स्टैन जैसे, जैसे वाटर्स हो गया, ओरिला हो गया ऐसे, और रॉयल पाम्स हो गया, रॉयल पाम्स इज नॉट अ पब, इट्स अ ग्राउंड, तो ऐसे ये सेकंड टाइप का हो गया। एंड थर्ड टाइप भी स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, मतलब वहाँ पे आपको आईडीज वगैरह नहीं पूछते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह भी सर्व नहीं करते, बट मोस्टली पब्स में ड्रिंक्स सर्व करते हैं, पब्स इज इक्वल टू ड्रिंक्स अल्कोहल, तो इतना दिमाग में रखो आप, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ कि और कहाँ कहाँ जा सकते हो, शाम को तो कल दिखाई दूंगा। तो ये नंबर वन पे आता है स्विग पुणे, जो कि है कोरेगांव पार्क में, और वहाँ पे अगर आप जाते हो तो विथ अल्कोहल कॉस्ट आती है फॉर 2%, इट्स अप्रॉक्स 1400, मतलब आप डिनर वगैरह भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी रूफ टॉप जो होते हैं, और फैमिली के साथ भी जा सकते हो, मीन्स रूफ टॉप जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा, टेक्सास टावर हो गया, 18 प्लस हो गया, और बहुत है ऐसे, तो आप फैमिली के साथ जा सकते हो, वहाँ डिनर कर सकते हो, वहाँ क्या बोलते हैं डिस्को एरिया होता है, वहाँ पे डांस कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। तो ये एक स्विग हो गया, वो ट्राई करो कोरेगांव पार्क में, वो भी एक सही है। हार्ड रॉक कैफे हो गया पुणे में, वो भी एक सही है, 8000 स्क्वायर फीट्स में, और थोड़ा महंगा है बट ठीक है, 2500 है अप्रॉक्स दो लोगों के लिए, 1000 ओक से ये भी काफ़ी बढ़िया। मैं गया था ये, यहाँ पे मैं किसके साथ गया बोलूँ, पापा के साथ गया था, तो ये सस्ता, इतना भी महंगा नहीं है, 1300 रुपये फॉर 2% विथ अल्कोहल कह रहे, बट हमने कभी अल्कोहल ट्राई नहीं, ई स्ट्रीट कैफे पे, वहाँ पे तो वहाँ पे आप डांस फ्लोर वगैरह है ऐसा भी कर सकते हो आप। फिर सेनापति बापट रोड पे, ये सबसे सही है, मायामी करके, एक्चुअली मायामी नहीं, मी ए मी ऐसा है उसका स्पेलिंग, तो मायामी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, जो सेनापति बापट रोड पे 2500 है, ये भी थोड़ा सा महंगा आता है। पेंट हाउस है, पेंट हाउस भी बेस्ट है मेरे हिसाब से, मुझे तो वो बहुत बेस्ट लगता है, पेंट हाउस, वाटर्स, ओरिला और अपना कल्ट, ये चार मेरे बेस्ट में आते हैं। तो अभी ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस शायद से अलग हो सकती है। फिर अर्बन फाउंड्री है, ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको 7-8 तो बता दिया, आप इसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो, ये वीकेंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आप चले जाओ, बेस्ट है। मिक्स एट 36 भी है पुणे में, वो कहाँ पे है, कोरेगांव। मोस्टली जो भी पब्स है या जो भी डिस्को फ्लोर्स है, डांसिंग फ्लोर्स है, जो भी आप बोल सकते हो, वो कोरेगांव पार्क में ही होते, बहुत ज़्यादा हैपनिंग एरिया है, अब मीन्स वहाँ चले जाओ आपको यू ही मिल जाएगी, बट गेस्ट एंट्री,
यहाँ पे एक और सीन रहता स्टैग एंट्री, ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मीन्स अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या मतलब एक वुमन आपकी फ्रेंड है तो आपको हर पब्स में उनके साथ गए तो फ्री एंट्री हो जाएगी, मीन्स आपको कुछ पूछेंगे। बट अगर हमारे जैसे सिंगल्स लोग गए, हमारे बहुत वांदे, मतलब आपको पहले उनको एक वाउचर होता है 3500 का, 3000 और 5000 का वो लेना पड़ता है, मतलब उतना पैसा आपको खर्च करना ही पड़ता है अगर जेंट्स अगर जा रहे हो। अगर फोन करते हो कि हम मेल लोग हैं, मेल जेंट्स नहीं, मेल सिंगल लोग हैं, तो ऐसा थोड़ा सा खर्चा तो होता है बॉयज अगर सिंगल हो तो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर गर्लफ्रेंड हुई तो ही खर्चा होता है, अगर सिंगल रहो तो भी खर्चा होता है। तो ऐसा है सीन्स, ये सबसे महंगा है जो मैंने अभी आपको बताया। कौन सा बताया? मिक्स एट 36, ये बहुत महंगा है, 4000 पर पर्सन बता रहा है। एरिया 51 भी है, वो भी शायद कोरेगा नहीं, वो बानेर में आया, तो बानेर में भी अगर आप हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। हिंजेवाड़ी, हिंजेवाड़ी से नजदीक है। तो ये टॉप के जो है ना, ये मैंने आपको बता दिए। तो अभी फटाक से हम चलते हैं, मैं जा रहा हूँ फिलहाल कल्ट, तो कल्ट में जाके लोगों से पूछते हैं एक ही, हम ये सोशल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो आपका साथ लगेगा, तो इसलिए आप नीचे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो अभी फिलहाल तो हम ऐसे तो नहीं जा सकते ना, कुछ अच्छा तो पहनना पड़ेगा। तो 1 2 सो हम रेडी हो चुके हैं, और ये थोड़ा ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्यों पहना, क्योंकि कुछ कुछ क्लब्स में कैसा होता है बॉलीवुड नाइट्स होती है तो बॉलीवुड थीम होती है, तो आज का थीम है ट्रेडिशनल थीम, तो ये मुझे पहनना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। तो कैसे लग रहे हैं हम बता, तो अभी फटाक से चलते, सबसे ज्यादा मैं ही लेट हूँ, सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा, लेट्स गो। मेरे फ्रेंड्स लोग भी आ गए, तो थोड़ा स्वैग में एंट्री करते। क्या बोल रहे? 2-3 कुर्ते लाए थे मैंने एक्स्ट्रा, इनको कुर्ते चाहिए थे, दैट्स व्हाई। तो अभी निकलते हैं, हम पहुंच चुके हैं कल्ट टेरा हाउस, जो कि है मगरपट्टा के पीछे, आप देख सकते हो काफी अच्छी पार्किंग वगैरह है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। और मेरे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, फ्रेंड्स है जो कि लेट हो चुके हैं, कहाँ पे जो कि तुम्हारा पार्टनर है, इतना देर से लेट हुआ। हाँ तो अभी ऐसे जरूरी है, अगर आप पब आते तो पार्टनर की जरूरत होती है। मैं क्यों कॉल करूं, बाकी सबने कॉल किया ना, बिल्कुल नहीं। देख तो मेरे लोग, देखो ये ऐसे मस्ती करते रहते हैं। कोई नहीं, अनसब्सक्राइब अभी। क्या बोला तूने? अनसब्सक्राइब नहीं रे, अनसब्सक्राइब रहता। तो सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला था, तो उनका, मेरे सोशल एक्सपेरिमेंट का पहला बकरा ये मैं, अपना नाम बकरी हूं मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पुणे में कितने साल से? 12-13 साल से। तो आपका फेवरेट पब कौन सा है जो नाइट? ऐसे तो एजेंट जैक बहुत गए, पहली बार कल्ट हाउस आए, कल्ट आए तो कल्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इनके हिसाब से कल्ट एक्सपीरियंस करते हैं, एजेंट जैक इनका फेवरेट है। तो अभी हम चलते हैं नए बकरे के पास। ये भी बकरी है, बकरी है ये भी। आपके हिसाब से पुणे कौन सा अच्छा है पब? वाटर्स ये मैम, वाटर्स 1, एजेंट जैक 1। यार इसको नहीं पूछते, गजब बेइज्जती है। ये आपका नाम क्या है मैम? साक्षी। ओके तो आपके हिसाब से पुणे का सबसे बेस्ट पब कौन सा है? मेरे हिसाब से वाटर्स अच्छा है और अनवाइंड भी अच्छा है। वाटर्स 2, अनवाइंड 1 और एजेंट जैक 1। तो ये सर को पूछते हैं, आपका नाम क्या है सर? ऋषि। ऋषि, तो ऋषि सर आप पुणे में कितने साल से हो? क्या बचपन से? ये बचपन से हूँ। तो आप काफी पब्स वगैरह में गए होंगे, तो उस हिसाब से आपको कौन सा जो नाइट लाइफ जहाँ का एम्बियंस अच्छा हो, ऐसा कौन सा पब अच्छा है? तो ज्यादा से बानेर में अच्छा है, क्लब 29 भी अच्छा है। राइट राइट, मतलब 6th फ्लोर पे, उस पास स्विमिंग पूल वगैरह, पार्टीज वहाँ पे अच्छे। ओके, तो ये बानेर के भी काफी अच्छे पब्स, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। तो ये मैम जो है वो इनकी वाइफ है, तो इनको पूछते हैं, मैम आपके हिसाब से पुणे का कौन सा पब जहाँ डिस्को, जहाँ पे वाइबिंग अच्छी हो, कौन सा है? आज तक मैं कभी पब गई नहीं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है। तो ये मैम के लिए कल्टी अच्छा होगा, कल्टी फेवरेट होगा, मैं बोलता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ठीक है चलेगा। तो अभी हाँ, तो भैया आप कौन से, कहाँ से हो? पुणे से? अहमदपुर से। अहमदपुर से, तो अहमदपुर में कोई पब्स है? नहीं है ना। नहीं है, तो आप पुणे में पब्स आना जाना होता रहेगा आपका रोज, हर संडे? नहीं नहीं। तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा पब है? आप पहली बार कल्ट में आए हो तो मेरे लिए कल्टी। तो ये सर भी बोल रहे की कल्टी अच्छा है, तो ये वैदवाड़ी के पब में जाता है। हाँ तो तेरे हिसाब से पुणे का सबसे अच्छा पब कौन सा है? कल्ट क्या ये जोशीवाड़े वाले? वही सेम, एक ही था मेरे को लगा। तो आपका आइडिया तो एक तो वाटर्स नंबर 1 पे चल रहा है, कल्ट नंबर 1 पे चल रहा है, तो आप ये दोनों में से कोई भी पब में चल सकते हैं। और अभी अंदर चल के मैं वाइब दिखाता हूँ कल्ट, लेट्स गो। अंदर से कुछ इस तरह है द कल्ट, आप देख सकते हो वहाँ पे बार सेशन है और वहाँ पे डीजे है। अभी तो डांस फ्लोर स्टार्ट नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा
तब कर रहे हैं, अभी हम ऊपर बैठ रहे फिलहाल। कुछ इस तरह वाइब चल रही है, मजा आ रहा है। अभी हम नीचे डांस फ्लोर पे चलते हैं, थोड़ा डांस वगैरह करते हैं। बेसिकली जो पार्टीज होती है ना वो रात के 11 बजे के बाद ज़्यादा वाइब आती है, तो हम तो निकल गए। आपको कैसे लगा ये व्लॉग बता दो। यहाँ पे कुछ डिनर कर लेते हम, ऑल बॉयज़ सीन चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया ना कुछ, तो भी चाइनीज़ खाते हैं। तो आपको कैसे लगा बताओ, कमेंट करो, और आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है पब वगैरह पुणे का बता दो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग। कल के पार्टी का हैंगओवर वैसा कुछ नहीं, अरे वैसा कुछ नहीं। तेरे भाई का कुछ स्पेशल डे आ रहा है, क्या चाहिए तुझे बोल, मैं तेरे को गिफ्ट देना। हाँ, महंगा पड़ गया वो परफ्यूम, हमको सस्ता लेना था, बट वो अराउंड ऐसा बोल सकते।